में पैसा से खरीद लेगा ये देश, हमारा पास सब कुछ है। मिनिस्टर जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 महीना गुजर गया, 10 महीना में सरकार क्या कर पाया? अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज सरकार से यही एक मांग रखा कि हमारा जो लोग, हमारा अरुणाचल प्रदेश युवा के लिए, हमारा प्रदेश के हित के लिए जो आज आवाज़ उठा रहा है, जिसे सोशल एक्टिविस्ट जो कहते हैं, इनका ऊपर आज अपूपा का एक्ट लेके, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट के तहत बहुत लोगों को जेल में डाला गया है, डिटेंशन किया गया है। मैं कई शब्द से सरकार को यही कंडेम करता हूँ कि जो भी हुआ इट्स ऑल अबाउट अनफॉर्चुनेट, गलत है, अनकंडीशनली इन लोग को रिलीज किया जाए। जो लोग हमारा देश हित के लिए, हमारे प्रदेश हित के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, उसको दबाने का जो चक्कर कट रहा है, उसमें हमें पता चलता है कि सरकार का कमजोर कमियां उसमें दिखाई देते हैं। सरकार 10 महीना गुजर गया, 10 महीना में सरकार क्या कर पाया? नथिंग, कुछ नहीं कर पाया। हमारा चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो खुद ही एश्योरेंस दिया। हमारा मानना है कि जब हमारा प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं वो फाइनल होना चाहिए, उसका अलावा और कहीं नहीं, कोई नहीं है, तो वो जो कहते हैं वो करना चाहिए। नहीं करने का वजह आज सोशल एक्टिविस्ट लोग आवाज़ उठा रहा है, उसको फिर दबाया जा रहा है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कहाँ चला गया? इसलिए मैं सरकार से बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों को आप दबाने का चक्कर मत कीजिए। अब काम करने का, जो चूर है उसको बताने वाला को आप अरेस्ट करेंगे, जो चूर है उसको छोड़ देंगे, ये देश क्या चलेगा, ये प्रदेश क्या होगा? आप चूर को नहीं पकड़ता है लेकिन जो बता रहे उसको अंदर घुसा रहे, ये क्या सरकार होगा? इसलिए अभी हमारा प्रदेश लोग ज़्यादा सुना नहीं है। ये सरकार जो सोचता होगा कि 2024 को मैं पैसा से खरीद लेगा, ये देश हमारा पास सब कुछ है, ये सोचेगा। लेकिन हमारा युवा लोग जानता है, हमारा लोग जान गया कि आज ये दिन को नहीं बोलना चाहिए। 72 आवर्स का जो बंद का बात रहा, इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो क्लियर कर जो कहा है कि पीस से हुआ, शांति से जो हुआ, ना उसमें दुर्घटना हुआ, ना डिमेज हुआ, नथिंग, क्यों मैं 3 दिन का पेपर पढ़ा था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें क्या मतलब का आन लो एक पुल, क्या हिसाब से हो आप तय करेंगे, ये तो सरकार को जानना चाहिए। तो इसलिए मैं, बहुत लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस कहा गया चुप हो गया, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ नवम तुकी, वी आर स्पीकिंग, वी आर स्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ नवम तुकी जी, मालिक करगन करगे जी, हम लोग कांग्रेस पार्टी की पीछे में नहीं है, हम हमारे एक्सपीरियंस लोग का साथ में है, हमारा स्टेट के हित में हम लोग करा है, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आपका माध्यम से मैं बार बार ये कहता हूँ कि सरकार आप सोचिए, हमारा लोग को अनकंडीशनली आप रिलीज करें। थैंक यू।